आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, हम पुरानी कुर्ती को रीयूज करके एक सुंदर सा बैग बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस पुरानी सी कुर्ती को रीयूज करके बैग बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर कलर लग गया था। मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ काम आने वाली चीज बनाए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुर्ती का नीचे वाला पार्ट यूज करेंगे बैग बनाने के लिए, इसलिए नीचे से 19 इंच पर कट कर देंगे। हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को कट कर लिया है। बैक की लंबाई 19 इंच है और बैक की चौड़ाई 15 इंच है। लंबाई के अंदर हमने 2.5 इंच का मार्जिन लिया है, चौड़ाई के अंदर 1 इंच का मार्जिन लिया है। इसके बाद हम बैक की लाइनिंग कट कर लेंगे। लाइनिंग के अंदर थोड़ा सा मोटा कपड़ा लिया है, आप चाहे तो कैनवास भी ले सकते हैं। इसके भी हमें 2 पार्ट कटिंग करने हैं। बची हुई कुर्ती के कपड़े में से हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट का कपड़ा हम कुर्ती के बीच में से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है। के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था, इसके लिए हम इसके अंदर जॉइंट लगाएंगे। बेल्ट की चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई 32 इंच है। अब हम बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को जॉइंट कर लेंगे। चारों ओर से सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों फैब्रिक को अच्छे से जॉइंट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाएगा उसे हम कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमने बेल्ट को भी अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अब हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे और फिर डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और फिर बेल्ट के लिए जो कपड़ा है उसे भी फोल्ड करके उसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों ही तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों सीधी साइड को मिला लेंगे और तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तीनों तरफ ही लगानी है, चारों तरफ नहीं, सिर्फ 3 तरफ। और फिर अब हम बेल्ट को सीधा कर लेंगे। अब इसे सीधा करने के बाद एक और साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक की तीनों साइड सिलाई लगा ली है और कोने में भी सिलाई लगा ली है, जहाँ पे निशान है वहाँ से। अब हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और वहाँ पे हम अब बेल्ट लगा लेंगे।